स्टडी आई क्यू अब तैयारी हुई अफोर्डेबल नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्टडी आई में मैं हूं आपका दोस्त राहुल दोस्तों आज हम लोग एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं ऑन द ऑफ वन हेल्थ आज का हमारे डिस्कशन का एजेंडा है टू अंडरस्टैंड वन हेल्थ ये डिस्कशन क्यों हो रहे है? क्योंकि हाल ही में वन हेल्थ के लिए एक जॉइंट एक्शन प्लान अनवेल किया गया है तो हम लोग उस जॉइंट एक्शन प्लान के बारे में बात करेंगे उसके एक्शन आइटम्स के बारे में बात करेंगे

टेक फाइव सेकंड टू अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड लेट मी नो हाउ डिड यू फेयर क्योंकि इस डिस्कशन के दौरान ही मैं आपको जवाब भी बताऊंगा इनफैक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन में से हम एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर फोकस भी करने वाले हैं उससे जुड़ा हुआ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी हम लोग गैदर करने वाले हैं तो ये जो डिस्कशन है पूरा इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर योर प्रिपरेशन हर एक स्लाइड में आपको अलग अलग एम बन सकते हैं सो so, उसी दौरान मैं आपको बता भी दूंगा कि किस तरह के एम बन सकते हैं गेट नो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहेगा आपको ध्यान है, साल का हमारा सबसे बड़ा दिवाली का सेल चल रहा है ओनली टिल ट्वेंटी सेल है और आप जानते हैं कि हमारा लास्ट दिन बैच इज क्लोजिंग ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टोबर राइट तो यहाँ पे आपको भारी डिस्काउंट मिलेगा यू विल गेट दी एंटायर फाउंडेशन बैच फॉर दि प्राइस ऑफ ओनली सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवनटीन फोर नाइन नाइन मैं कहूँगा साढ़े सत्रह हज़ार में आपको मिल जाएगा कम्प्लीटली लेकिन आपको एक काम करना है अगर आपको ये प्राइस चाहिए आपको इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान केवल छब्बीस अक्टूबर तक आपको कोड इस्तेमाल करना है राहुल लाइव तो सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा साढ़े सत्रह हजार रुपये में आपको पूरा कोर्स मिलेगा और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती ये कि हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो सबसे कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम है सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है अफोर्डेबल तो आपको पता चल चुका है क्यों क्योंकि इस में कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी हो जाएगी आई नो यू आर नॉट बिलीविंग इट बट इस पर्टिकुलर प्राइस में आपको 900 सौ घंटों से ज्यादा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी वन टू वन आपको मेंटरशिप मिलेगी एक मेंटर आपके साथ रहेंगे फ्रॉम डे वन इट ग्रुप मेंटरशिप आपको मिलेगी क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे क्योंकि लाइव क्लासेस चल रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने का भी टेंशन नहीं है आपको क्रिस्प हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और इसी प्राइस में आपको प्रिलिम्स की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी यानी कि प्रिलिम्स देने से पहले आप कम से कम 40-45 बार आप मॉक प्रिलिम्स देकर ही एग्जामिनेशन के लिए जाओगे यू विल बी रेडी

एनिमल हेल्थ की वो बॉडी वो कौन सी है we'll talk about this particular body at length. लेकिन तीन ऑर्गेनाइजेशन है एफ ए हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजनस एफ ए क्या है यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड एंड एग्रीकल्चर से कनेक्टेड काम करती है इसका हेडक्वार्ट आपको कहाँ पे मिलता है इसका हेडक्वार्टोम रोम कहाँ पे आता है इटली में आता है यानी कि विश्व में फूड इनसिक्योरिटी ना हो इसलिए एफ काम करता है डब्ल्यू तो मुझे लगता है सभी को पता होगा डब्ल्यू क्या है हेल्थ से जुड़ी हुई बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वी ऑल नो दिस पर्टिकुलर बॉडी इसका हेडक्वार्टर्स आपको आता है इन जेनीवा राइट और ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है पिछले दो तीन सालों से जब से कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक आया है इट हैज बीन अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन वी ऑल नो दैट इसके अलावा पी एक बॉडी है यू 1972 में जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद यूएनईपी बना था से जुड़ा हुआ काम करते हैं यूनाइटेड नेशन की बॉडी है संयुक्त राष्ट्र की इसका हेडक्वार्टोबी कहा एनिमल हेल्थ बॉडी के बारे में डिस्कशन राइट right? तो चार बॉडीज ने मिलकर एक जॉइंट एक्शन प्लान अनवेल किया है तो सबसे पहली चीज आपको समझनी है कि वन हेल्थ क्या है अब ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि आपको वन हेल्थ पे जुड़ा हुआ एक सवाल भी बन सकता है जैसे वन हेल्थ पे सवाल बन गया वॉट इज द मीनिंग ऑफ वन हेल्थ रिसेंटली हम लोगों ने देखा है वन हेल्थ का कॉन्प्ट क्या है तो आपको चार विकल्प बना के चारों में अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं इस तरह का सवाल बन सकता है तो वन हेल्थ मतलब क्या होता है देखिए जब भी हम लोग हेल्थ की बात करते हैं तो एज ह्यूमन्स हमारी विजन थोड़ी नैरो हो जाती है हम लोग हमारे बारे में सोचते हैं ह्यूमन हेल्थ के बारे में सोचते हैं लेकिन वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है जब हम लोग कंप्लीट होलसम या फिर मैक्रो व्यू ऑफ हेल्थ ले जैसे फॉर एग्जांपल अब कोविड 19 की बात करें जब कोविड 19 पैंडेमिक है सभी लोग ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात कर लेंगे यार कोविड 19 के नंबर्स बहुत बढ़ रहे हैं प्रॉब्लम हो रही है एटसेट्रा लेकिन उसी कोविड 19 की वजह से क्या प्राणियों को कोई खतरा हो रहा है उसी कोविड नाइन्टीन की वजह से क्या प्लांट्स के ऊपर कोई खतरा हो रहा है उसी कोविड नाइन्टीन की वजह से पूरे इकोसिस्टम को कोई खतरा है क्या जब हम लोग ये सोचने लगेंगे तब बन जाएगा कॉन्सेप्ट वन हेल्थ का तो वन हेल्थ का मतलब है ऑफ कोर्स ह्यूमंस के ऊपर फोकस रहेगा बिल्कुल वन हेल्थ का मतलब है ह्यूमन हेल्थ एनिमल हेल्थ एनिमल हेल्थ के साथ ही साथ मैं कहूँगा प्लांट हेल्थ और एनवायरमेंट का हेल्थ इकोसिस्टम का हेल्थ सब कुछ मिला के जब आप सोचोगे इंटीग्रेटेड व्यू अब जब बनाओगे दैट बिकम्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ आई होप इट्स क्लियर राइट अब इसी वन हेल्थ को प्रमोट करने के लिए हाल ही में एक जॉइंट एक्शन प्लान अनवेल किया है जॉइंट एक्शन प्लान चार ऑर्गेनाइजेशन ने अनवेल किया है ह्यूमन हेल्थ के लिए एनिमल हेल्थ के लिए प्लांट हेल्थ के लिए एनवायरमेंट हेल्थ के लिए आई नो रिपीटिंग लिटिल ये मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में फिक्स हो जाए वन हेल्थ का मतलब क्या है ठीक है अब ये जो अनवेल किया गया किसने अनवेल किया यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है एफ ए मैंने आपको बता दिया दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है यू जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं डब्ल्यू एच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके अलावा एक और बॉडी है ओ आई ई इसके बारे में हम लोग बात करेंगे ओ इसका पुराना नाम है फ्रेंच नेम है फ्रेंच इकोनॉमी में लेकिन इसका नेम है बेसिकली डब्ल्यू ओ एच यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ इन चारों को मिला के कहते हैं पार्ट यानी कि चार पार्टियां मिलकर इन्होंने एनवायरमेंट के लिए एनवायरमेंट के लिए ह्यूमन हेल्थ के लिए वन हेल्थ के लिए ग्लोबल लेवल के लिए प्लान बनाया है रीजनल लेवल के लिए कंट्री लेवल के लिए अलग अलग प्लान बनाए सभी की मदद करेंगे सभी देशों के लिए मदद करेंगे फॉर ह्यूमन हेल्थ एनिमल हेल्थ प्लांट हेल्थ एनवायरमेंट हेल्थ राइट और ये जो प्लान है ये जो जॉइंट एक्शन प्लान है इट हैज बीन अनवेल्ड फॉर दीस फाइव इयर्स 2022 से लेकर 26 सिक्स right? राइट तो इसके लिए अनवेल किया गया अब सवाल यह है कि इस जॉइंट एक्शन प्लान में सर किन चीजों के ऊपर लोग फोकस कर रहे हैं दे आर फोकसिंग ऑन द सिक्स एक्शन आइटम बहुत जरूरी है अब पहला एक्शन आइटम बात करता है हेल्थ से जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को बढ़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को बढ़ाना सबसे पहली चीज है आपके हेल्थ सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करना ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है फर्स्ट एक्शन आइटम इज स्ट्रेंथनिंग योर हेल्थ सिस्टम नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमन रिमेंबर हेल्थ सिस्टम विच आर ऑफकोर्स कनेक्टेड टू ह्यूम विच आर कनेक्टेड टू एनिमल्स विच आर कनेक्टेड टू प्लांट्स विच आर कनेक्ट टू इको सिस्टम एज वेल इसके अलावा इनका दूसरा एक्शन आइटम बहुत जरूरी है दूसरा एक्शन आइटम है जो भी बीमारियां हो रही बीमारिय है जूनोटिक बीमारियां यानी कि जो एनिमल से बीमारियां हो रही है जिसकी वजह से एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स तो एक एक चीज आप कीजिएगा मुझे आप डिफरेंस बताइए थोड़ा सा सोचकर एपिडेमिक्स और पैंडेमिक इन दोनों में अंतर क्या है वॉट इज द मीनिंग ऑफ एपिडेमिक वट इज द मीनिंग ऑफ पैंडेमिक एक सिंपल से एमसीक्यू सी में बना दूंगा जहां पे मैं आपको एक डेफिनेशन दे दूंगा एपिडेमिक का पैंडेमिक का दोनों को इंटरचेंज कर दूंगा ऑप्शन मैंने बना दिए वन ओनली टू ओनली वन एंड टू नेदर आउट सवाल बन गया तो जूनॉटिक एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स जो आ रहे हैं उनसे जुड़े हुए रिस्क रिस्क को जो भी एमरजिंग री एमर्जिंग जूनॉटिक्स है उसको रोकेंगे साथ ही साथ उनको कंट्रोल करेंगे उनको एलिमिनेट करेंगे दूसरे डिजेज को भी जैसे कि वेक्टर वैक्टरबॉन्न डिजीज ट्रॉपिकल डिजीज इनको भी रोकेंगे देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया सभी की नजर थी ऑफ कोर्स कोविड 19 के ऊपर कोविड 19 ह्यूमंस में आया तो वी नो अबाउट दिस लेकिन एनिमल्स में भी लंपी स्किन डिसीज़ आया रिसेंट टाइम्स में इंडिया में इट हैज बिकम अज एपिडेमिक तो इट इट वुड ऑल्सो भी इंक्लूड ये चार ऑर्गेनाइजेंस इंडिया की भी मदद करेंगे दूसरे देशों की भी मदद करेंगे अगर कोई जूनोटिक डिसीज कोई एपिडेमिक कोई पैंडेमिक हो जाए इसके अलावा फूड से जुड़ी हुई फूड सेफ्टी रिस्क को जो असेस करेंगे उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे उससे जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को कैपेसिटी को ये ये लोग स्ट्रेंथन करेंगे होगा इनका चौथा एक्शन आइटम पांचवा एक्शन आइटम है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा कई बार एस्परेंट को मिस कर सकते हैं अगर आपको ध्यान नहीं है याद नहीं है ए को कर्व करने की बात की गई दिस इज द एक्शन आइटम फाइव आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस या फिर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कितना बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि क्या हमारा अगला पैंडेमिक आएगा इट इज बिकॉज ऑफ ए एम आर राइट इसी को कर्व करने के लिए फिफ्थ एक्शन आइटम ही बनाएगी और सिक्स एक्शन आइटम है एनवायरमेंट के ऊपर एनवायरमेंट को इंटीग्रेट करेंगे इन द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ एक्शन आइटम एंड आई वुड अप्रिशिएट किया छह एक्शन आइटम्स को भी ध्यान रखें क्योंकि एक सिंपल का एक सिंपल सा मेन सवाल भी बन सकता है वन हेल्थ कॉन्सेप्ट क्या है वन हेल्थ के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है तो इन छे आइडियाज को आप लिख सकते हो बिल्कुल राइट राइट दीज आर एक्शन आइटम इसके अलावा कुछ और चीजों के ऊपर भी इनका फोकस है इन छह एक्शन आइटम्स के अलावा ऑफकोर्स सिस्टम्स थिंकिंग को प्रमोट करेंगे एडवोकेसी करेंगे अलग अलग देशों की अलग अलग रीजन की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल्ड करेंगे टू स्ट्रेंदन दी कैपेसिटी टू स्ट्रेंदन दी इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क लीगल फ्रेमवर्क में मदद करेंगे साथ ही साथ ट्रेडिशनल और इंडिजिनस कम्युनिटीज को साथ में लाएंगे फॉर इवॉल्विंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वन हेल्थ क्योंकि वन हेल्थ में ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल नॉलेज और इंडिजिनस कम्युनिटीज का एक बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है उन्हें प्रमोट करेंगे अंडर दिस पर्टिकुलर प्लान राइट राइट सो ये था हमारा डिस्कशन वन हेल्थ ज्वाइंट एक्शन प्लान के बारे में अब एट द एंड ऑफ द डिस्कशन मैंने आपको बताया था एक बॉडी के बारे में हम लोग डिस्कशन जरूर करने वाले हैं वो है ओ आई ई और डब्ल्यू ओ एच आपको ध्यान रखना है w -O -H, अभी का नाम है इसका इसके पहले का नाम है दिस एक्चुअली द फ्रेंच नेम क्योंकि 1924 में पहली बार ये बना था एज ऑफिस इंटरनेशनल दे दिस फ्रेंच नेम राइट एपिजोटिक्स को रोकने के लिए इंटरनेशनल ऑफिस बना था इवेंचुअली 2003 में डब्ल्यू ओ एच बना डब्ल्यू ओ एच काम क्या होगा डब्ल्यू ओ एच का ये एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे अलग अलग देशों से रिप्रेजेंटेटिव्स है जो काम किस लिए करते हैं एनिमल हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी पॉलिसीज आएंगी एनिमल डिजीजेस को रोकने के लिए एनिमल हेल्थ से जुड़ी हुई ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे रीजनल लेवल पे कोलैबोरेशन करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए अगर कोई नया ड्रग बना है उसके प्रति भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग हुई तो इन सभी चीज़ों के लिए काम करता है डब्ल्यू अब इस डब्ल्यू से जुड़ी हुई काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है राइट जब ये बना था उन्नीस में जब यह बना था क्यों बना था वाई डिड इट कम आउट बिकॉज इट वॉज फाउंडेड एज अ रेस्पॉन्स टू अ प्लेग कैटल प्लेग कहा जाता था पहले उसको पेस्ट होता था रेंडपेस्ट अब देखिए इस पर भी सवाल बन सकते जिससे मुझे याद है आई थिंक क्वेश्चन वॉज ऑन एनएस जी राइट एनएस जी न्यूक्लियर सप्लाइज ग्रुप जो बना हुआ है एनएस जी क्यू बना था एनएस जी वॉज क्रिएटेड एज अ रेस्पॉन्स टू इंडिया टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपनटीन सेवेंटीज राइट तो right? इसीलिए एनएसडी बनाता करके नॉट एन तो डी क्यों बनाता है इसके ऊपर सवाल आ चुके तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं तो ये एनिमल हेल्थ की बॉडी क्यों बनी थी क्योंकि रिंडर पेस्ट करके एक बीमारी थी जिसको कैटल प्लेग भी कहा जाता है अब ये रिंडर पेस्ट क्यों होता है या फिर रिंडर पेस्ट क्या है रिंडर पेस्ट एक वायरस बेस्ड बीमारी है एक एक बीमारी है कम्युनिकेबल बीमारी है जो कैटल में होती है नॉर्मली इट इज बिकॉज ऑफ अ वायरस कॉल्ड एज पैराम वायरस अब रिंडर पेस्ट जब भी कैटल को होता है तो क्या होता है इट इज कैरेक्टराइज बाई समी और ये बहुत ही भीषण एक एक प्रॉब्लम थी कैटल में जहां पे डायरिया या फिर डिसेंट्री हो जाता है डायरिया डिसेंट्री उसकी वजह से डिहाइड्रेशन और डिस्चार्ज डिस्चार्ज फ्रॉम माउथ एंड डिस्चार्ज फ्रॉम आइस एंड ईयर्स तो ये तीनों इसके सिम्टम्स है रिंडरपेस्ट के तो ये भी ध्यान रखना है रिंडरपेस्ट से जुड़े हुए भी सवाल बन सकते हैं रिडस रिंडरपेस्ट इज अ बैक्टीरियल डिजीज इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट इट इज वायरल डिसीज ये है वायरस जिसकी वजह से रिंडोपेस्ट होता है और रिंडोपेस्ट जब हुआ था कैटल प्लेग जब हुआ था उसके रेस्पॉन्स में ही डब्ल्यू बना था इसके 180 से भी ज्यादा मेंबर है, 182 मेंबर है। एज अ पार्ट ऑफ दट इंटरनेशनल अग्रीमेंट इनफैक्ट इनकी काफी कोलाबरेशन चलती है विद अदर ऑर्गनानेशन आई टोड डू दी आर कोलाटिंग विद एफ एर कोलाटिंग विद यू एन ई पी दर कोलाबरेटिंग विद डब्लू एच ओ सत्तर से भी ज्यादा ऑर्गनाइजेशन इंटरनेशनल रीजन ऑर्गनाशन इनके साथ कॉबरेट करते अगेन फॉर वॉट रिमेम्बर ए एच एनिमल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और इस पर्टिकुलर बॉडी का हेडक्वार्टर आता है इट इज इन पैरिस बॉडी so, इस पर भी सवाल बन सकते हैं जैसे सिंपल सवाल ऑन डब्ल्यूच क्वेश्चन स्लाइड कैन बिकम पोटेंशियल एमसी क्यू अगर इस पे सवाल आ जाए तो बी रेडी फॉर दीज थिंग्स राइट विद दैट नोट लेट मी एंड माई डिस्कशन थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल